हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीवन। देखिए, हम एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने बताया था मेकिंग वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। तो पहले पेंसिल से हमने स्केच किया इसको, और उसके बाद जो मेन कलर्स हैं वो हमने डाल दिए हैं। अभी मिक्सिंग हम इसमें कर रहे हैं, तो मिक्सिंग का छोटा सा हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ये भी लेयर बाई लेयर होता है, डायरेक्ट एक बार में ही नहीं होता मिक्सिंग, बहुत टाइम लगता है। तो लेयर बाई लेयर, पहले आप बॉडी कलर आपने डाल दिया इसमें। बॉडी कलर देखिए, वाइट सबसे ज़्यादा वाइट होता है, वाइट में येलो और थोड़ा सा रेड बना करके आप ये बॉडी टोन बना सकते हैं। उसके बाद ये जो पिंक शेड दे करके रेड से हम इसकी मिक्सिंग, जहाँ पे हमें डार्क जोन दिखाना है, जो डार्क सेटिंग दिखानी है, उसको धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा लेयर बाई लेयर इसको डार्क करते जाना है। एक्चुअली ये वाटर पेंट है, तो ये जो आप डार्क शेड देख रहे हैं, सूखने के बाद थोड़ा लाइट हो जाएगा, इसलिए इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो ये जो मिक्सिंग है, जो लाइट शेड है, तो लाइट शेड के लिए हम इसमें वाइट मिला के काम करेंगे। तो अभी हम इसकी मिक्सिंग वीडियो आपको, जहाँ पे शेडिंग आ रही है, थोड़ा सा उसी बॉडी कलर में रेड मिला के डार्क करके उसको और टोन किया जाता है इसको। इस पे कुछ बनेगा, ये देखिए, इसके नीचे डार्क शेड रहेगी पूरी। उसके बाद हम ये जो ब्लैक पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हेयर्स बना देंगे इस पे। ये एक बार में फाइनल मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि ये फेस का है, तो इसको हम इसको इस तरह से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो आप खूब प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके ही मिक्सिंग आ सकती है। मिक्सिंग देख करके मिक्सिंग नहीं होगी। आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, देखने से नहीं सीखेंगे। मिक्सिंग आप ब्रश कलर उठा के करेंगे तो ही सीख पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और देखिए, जहाँ जहाँ शेड, डार्क शेड हमें देनी है, उसको हम थोड़ा सा ये, जैसे हमने पेंसिल से शेड दी थी, उसी तरह से हम कलर से शेड देंगे इसको। जो डार्क पार्ट करना है हमें, उसको हम डार्क शेड देंगे। एक बार लाइट हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में डार्क ब्लैक ही जाना है, आईज वगैरह बननी है, तो इसको एक बार लाइट कलर से मिक्स करेंगे। ये रेड नहीं रहेगा, ब्लैक होगा बाद में, लेकिन एक बार हम इसको टोन देने के लिए इसकी इस तरह से आपको ये मिक्सिंग हम बता रहे हैं। ये नोज़ की मिक्सिंग जाएगी यहाँ से, ये इस साइड में शेड होगी। बड़ी बात ये है, देखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप शेडिंग देखने के बाद आप इसको ऐसा बनाने की कोशिश करें, एक बार गलत बनेगा, दूसरी बार ठीक बनेगा, और दो चार बार आप जब बना लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। और ब्रश चलाने से ही आपको पता चलेगा कि हम किधर मिक्सिंग कर रहे हैं, हमारी ब्रश किधर जा रही है, किधर डार्क करना है, किधर लाइट करना है, वो तो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना आपके लिए। तो हम जो भी इसकी फाइनल वीडियो बनेगी, उसको फिर आपको दिखाएंगे। अभी लाइट ली, हम मोस्टली एक आउटलाइन बनाते हैं। ये देखिए, ये भी दो तीन लेयर में बनेगा, बहुत लाइट बनाना पहले, ताकि कुछ चेंज करना पड़े तो हम इसको तुरंत चेंज कर दें। डार्क नहीं बनाना पहली बार में। डार्क नहीं बनाना है, ये लाइट रखना है इसको। ये इसकी दूरी देखते हुए,
मिक्सिंग आपको, और जैसे जैसे ये तैयार होती जाएगी वीडियो हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।